नाज़रीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। बाबरी मस्जिद इनिदाम मामले में अदालत के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में फैसले को किया जाएगा चैलेंज। अदालत के फैसले को चैलेंज करने के लिए सीबीआई सरबरा को लिखा गया मकतूब। सुप्रीम कोर्ट के वकील जेड के फैजान ने कहा, जो फैसला आया है अजीब है। क्या है पूरा मामला, इस पर देखिए हमारी मुकम्मल रिपोर्ट। बाबरी मस्जिद इनिदाम करने वाले मुलजिमीन को जिस तरह गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया है, ये बहुत ही अफसोस की बात है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मुसलमानों में काफ़ी मायूसी देखी जा रही है। अब ऐसी खबर सामने आ रही है कि अदालत के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के लिए सीबीआई के सरबरा को मकतूब लिखा गया है। सिपा से मंजर में रोज़नामा इंकलाब ने एक खबर शाया की है जिसकी सुर्खी है, बाबरी मस्जिद फैसला, सीबीआई को खत लिखकर सुप्रीम कोर्ट जाने की अपील की। तफसीली खबर कुछ इस तरह है, बाबरी मस्जिद इनिदाम पर हालिया फैसले के बाद अदलिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं। साथ ही ये बात भी कही जा रही है कि हमें इसी सिस्टम में रहकर इंसाफ को तलाश करना पड़ेगा। दूसरी जानिब फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के लिए सीबीआई सरबरा को मकतूब लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील जेड के फैजान ने कहा कि जो फैसला आया है वो बहुत अजीब है और इस मामले में जज्बाती अंदाज इख्तियार नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि इन दोनों फैसलों से मजहबी जज्बात मजरूह जरूर हुए हैं। बाबरी मस्जिद मिल्कियत केस में जो फैसला आया उस पर तो सवालिया निशान लगा ही था, लेकिन दो रोज कबल जो फैसला आया उसने इस सवालिया निशान पर मोहर तस्दीक जब्त कर दी। उन्होंने कहा कि जो सिस्टम है उसके साथ हमें लड़ना है। अदालत पर दबाव की बात तो हम नहीं कह सकते, मगर कानून को अपने अपने तरीके से समझा जाता है। उन्होंने कहा कि मैं समझाता हूँ कि काशी और मथुरा का मामला बाबरी मस्जिद से अलग है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के रुकन तनवीर अहमद एडवोकेट ने मुल्की अदलिया पर इल्ज़ाम आयद किया है कि मुल्की ज्यूडिशरी एक खास नजरिए के लोगों के हाथ में चली गई है, लोगों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, जो फैसले आ रहे हैं वो बहुत गलत हैं। अगर यही हाल रहा तो मुल्क बहुत जल्द खाना जंगी की आग में जल सकता है, क्योंकि जब इंसाफ नहीं मिलता तो लोग खुद इंसाफ करने निकल जाते हैं। इन सबको रोकने के लिए ही अदलिया का निज़ाम लागू किया गया था। उन्होंने कहा कि जस्टिस इब्राहिम लंकन ने 2009 में कहा था कि मस्जिद को एक साजिश के तहत तोड़ा गया था और आज फैसला बिल्कुल अलग आ रहा है। सामला के सदर एडवोकेट नासिर अजीज का कहना है कि फैसला बहुत गलत नजरिए पर मबनी है, एक आम आदमी भी इस फैसले से इत्तेफाक नहीं कर रहा। जब भी कोई फैसला लिया जाता है तो दलील की बुनियाद पर होता है, जो दलील जज दे रहे हैं वो बिल्कुल अजीब है कि जब मस्जिद गिराई जा रही थी तो बहुत ज्यादा धूल थी इसलिए शनाख्त नहीं की जा सकी। जब मस्जिद शहीद करने वाले खुद कह रहे हैं कि हमने मस्जिद को शहीद किया और हमें फख्र है, तो फिर इसमें किसी को गवाह की जरूरत नहीं है। सेक्शन 57 के एक रूल के मुताबिक जब मुल्जिम गुनाह कबूल कर ले तो जज को किसी गवाह की जरूरत नहीं पड़ती। सियासी लीडरों ने खुद गुनाह कबूल किया, उसका क्रेडिट लिया, उसकी बुनियाद पर हुकूमत बनाई। उन्होंने कहा कि इस तरह के फैसलों के बाद हम भी अपना कानूनी हक नहीं छोड़ सकते, इंसाफ आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। इसके लिए एक लीगल टीम बनाई जानी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट में जाए। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट असगर खान ने बताया कि अभी हमें इस फैसले के खिलाफ अपील में जाने पर गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं आज ही सीबीआई सरबरा को मकतूब लिखकर फैसले पर बात की और कहा कि सीबीआई को इस फैसले के खिलाफ अपील में जाना चाहिए और इसके लिए हम हर तरह से तआवुन करने को तैयार हैं। उन्होंने बताया कि जब कोई तहरीक और मुहिम चलाई जाती है तो इसकी क़यादत करने वालों पर पूरी जिम्मेदारी होती है। अगर वहाँ कोई नाखुशगवार वाक़ पेश आता है तो क़यादत करने वाले कसूरवार होते हैं। जब उनको मालूम था कि भीड़ काबू में नहीं रहेगी और मस्जिद तोड़ी जा सकती है तो मुलजिमीन को वहाँ जाना नहीं चाहिए था। उन्होंने कहा कि कुछ मुलजिमीन तो फैसले आने से कबल ही कोर्ट को धमकी और तौहीन कर रहे थे। उमा भारती ने भी यही किया। तो ये थी नाज़रीन रोज़नामा इंकलाब में शाया खबर, जिससे जाहिर होता है कि बाबरी मस्जिद इनिदाम मामले में तमाम मुलजिमीन को अदालत ने बरी कर दिया है। अब देखना यह है कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की जो बात की जा रही है, क्या इसका कोई फ़ायदा होगा। युसरा अंसारी की रिपोर्ट, एमएमसी न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। तो नाज़रीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।
और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।